स्वागत है आप सबका डिफेंस रिकॉर्ड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे LSC के बारे में और कुछ जो नए डिप्लॉयमेंट चल रहे हैं उनको देखने वाले हैं। यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट है डिप्लॉयमेंट को लेके वो ALSWSI रुद्र का है, जिसको अभी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है अटैक मोड में। ये एक लाइटवेट कैटेगरी का अटैक हेलीकॉप्टर है। 90 के अराउंड ये ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और 25 ऑर्डर पे हैं, तो एक ठीक ठाक नंबर को डिप्लॉय किया गया है अरुणाचल में LSC पे। अब यहाँ पे DRDO का जो हेलिना है हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग, उसके यूजर ट्रायल भी कंडक्ट किए जा रहे हैं साथ ही साथ रुद्र से। जहाँ तक AA2R मिसाइल की बात जाती है तो ऑलरेडी यहाँ पे मिस्त्रल उपलब्ध है। रॉकेट ये फायर कर सकता है 70 mm और एक पॉड में जो नंबर ऑफ रॉकेट होंगे वो 12 होंगे। तो इस तरह के 4 पॉड कैरी कर सकता है। अगर आप दोनों साइड के पायलन को रॉकेट लॉन्चर पॉड से इक्विप करना चाहते हो तो उस केस में 48 के नंबर में जो रॉकेट है कैरी कर सकता है। जहां तक बात जाती है AA2R मिसाइल की तो 4 के नंबर में जो मिस्त्रल है, मिस्त्रल 1 शॉर्ट रेंज AA2R मिसाइल, वो ये कैरी करेगा। वहीं पे बात करोगे हेलिना की तो दो दो के ग्रुप में 4 जो लॉन्चर है वो ये कैरी कर सकता है। ऑलरेडी हम यहाँ पे अवेयर है कि इसके चिन माउंटेड टरेट पे 20 mm कैनन है M621 और जहाँ पे टरेट है वो नेक्स्टा का है। एवियोनिक्स की बात करते हो तो यहाँ पे इसको हाईली असिस्ट करने जा रहा है एल्बिट का कॉम्पास, जो कि एक इलेक्ट्रोप्टिकल स्वीट है। हेल्प करेगा टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशंस में। RWR यहाँ पे माउंट है, LSW माउंट है यानी कि लेजर वार्निंग सिस्टम, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम यहाँ पे दिया गया है और साब का जो IADS है सेल प्रोटेक्शन स्वीट वो भी यहाँ पे दिया गया है। वही भी आपके CFD है, चैफ एंड फ्लेयर डिस्पेंसर, वो चीज भी इंक्लूड है। तो एक कंप्लीट सेंस में डिफेंसिव के साथ साथ जो एक ऑफेंसिव पंच है वो भी ये कैरी कर रहा है। तो ALSWSI के दो वेरिएंट हैं मुख्यतः Mark 3 और Mark 4। यहाँ पे ज्यादातर जो आपके Mark 4 हैं वो हर तरह के वेपन कैरी कर रहे हैं। तो अभी करंटली 75 के नंबर में जो आपके रुद्र हैं तो वो आर्मी के साथ ऑपरेशनल हैं, 16 के नंबर में IAF के साथ ऑपरेशनल हैं और आर्मी नहीं 25 के नंबर में जो एडिशनल ऑर्डर हैं वो भी दिए हुए हैं रुद्र के। इसी में हम बात कर लेते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, जो कि उत्तम Mark 2 ISR रेडार को लेके है। इसके बारे में कुछ दिन पहले अभी बात की थी कि DRDO ऐसा देख रही है कि इसको माउंट किया जाए एक मैकेनिकल ड्राइव पे, जो कि इसको मैकेनिकल स्टीयर कर सके एक ISR पैनल को, तो वो चीज भी कंटेंशन में है। वहीं दूसरी तरफ जो एक टेंडर निकाला गया था आज से तकरीबन 5 महीने पहले मई में, 2 के नंबर में जो प्रोटोटाइप होंगे उसको बनाने के लिए टेंडर निकाला गया था LRDE के द्वारा, तो फाइनली उस टेंडर को लास्ट मंथ कंक्लूड कर लिया गया है और टेंडर दे दिया गया है अस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड को, यानी कि AMPL को दे दिया गया है। AMPL यहाँ पे लोएस्ट बिडर था, कंपटीशन में जो लास्ट के दो बिडर थे वो AMPL था और BEL था। तो यहाँ पे AMPL ने इस दो प्रोटोटाइप को डेवलप करने के लिए तकरीबन 12 करोड़ की जो कॉस्ट है वो कोट की गई थी, जो कि L1 में आई है। तो फाइनली जो प्रोटोटाइप होंगे उत्तम Mark 2, ये भारत की प्राइवेट कंपनी AMPL बनाने जा रही है, जिसकी जो डिलीवरी टाइमलाइन है वो 2022 के अप्रैल तक है। एक बार डिलीवर होते हैं तो एक साल वहां से आप और रख लो, जिसमें जो सारी टेस्टिंग है वो कंक्लूड कर ली जाएंगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2024 में जो आपका उत्तम Mark 2 होगा वो तेजस Mark 2 पे जाने के लिए तैयार हो। जहां तक बात जाती है AMPL की, तो इसने भी कुछ हाल ही के दिनों में कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है स्पेशली रडार और सी का वो बना के डिलीवर किए हैं। सिविल एप्लीकेशन में भी जो रडार है वो भी इन्होंने बना के डिलीवर किए हैं। तो कई जो क्वालिटी है और जो कुछ चाहिए इस तरह के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए, वो सारी चीजें इनके पास उपलब्ध हैं। उनमें से बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर भी की हुई हैं अपने सोशल मीडिया पे। इंटरेस्टिंगली इनके पास जो EMI और ECM टेस्ट फैसिलिटी है वो भी उपलब्ध है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो एक अच्छा प्रोडक्ट है उत्तम Mark 2 का वो बन के सामने आएगा टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे कहीं इनकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है पहले दो प्रोटो की वो कुछ हाई है, लेकिन एक बार जैसे वो बन जाते हैं और प्रोडक्शन में जाएंगे तो कॉस्ट जरूर नीचे आएगी। इसी में हम बात कर लेते हैं रुस्तम Mark 2 को लेके, जिसके जो कुछ पिक्चर्स हैं वो सामने आई हैं। और इस पिक्चर में जो इंजन आपको दिख रहा है रुस्तम Mark 2 पे, वो DRDO द्वारा डेवलप किया गया जो 180 HP का इंजन है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो कहीं के जो इंडिजिनस इंजन से भी जो फ्लाइट है वो कंडक्ट की जा रही होंगी, क्योंकि इसको लेके जो रूफ टॉप टेस्ट है वो आज से 2 साल पहले ही कंडक्ट कर लिए गए थे और ज्यादातर जो रिजल्ट थे वो आपको अनुकूल मिले थे। तो वैसे भी इस तरह के इंजन का डिप्लॉयमेंट एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल पे काफी जल्दी आपको देखने को मिलता है। यही इंजन की बात होती एक मैन्ड एयरक्राफ्ट पे तो वहाँ पे कहीं की जो उसकी टेस्टिंग होती वो और रिग्रस की जाती, क्योंकि वहाँ पे एक लाइफ उस पर डिपेंड रहती है। तो यहाँ पे पिक्चर्स में देखने को मिल रहा है जो DRDO का 180 HP का इंजन है वो इंटीग्रेट हो चुका है उसका Mark 2 से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।